सो हे गाइस, द बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, कोडिंग एंड ओवरऑल ऑल बॉक्स। सो अगर आप एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं जिसमें आप गेमिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग जैसे चीज़ों को करना चाहते हैं एंड वो आपके बजट के अंदर भी है, तो आज की इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको सभी को जितने भी लैपटॉप्स के बारे में बताया है वो लैपटॉप्स बहुत ही सही है, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। सो हे गाइस, चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हे गाइस, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर लैपटॉप को चेक कर रहे हो इसका नाम है लेनोवो आइडियापैड 3, जिसमें कि कोर i3 का प्रोसेसर लगा है 10th जनरेशन का एंड आपको इसमें 8GB का रैम विथ 256GB का SSD मिलता है विथ इन लाइक विंडो 10 एंड विंडो 11 दोनों के साथ मिलता है। सो अगर आप चाहो तो इसके लाइक SSD को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि इसको लाइक ये एक्सपेंडेबल है, आप इसे आगे जाके इंक्रीज कर सकते हो, देन आप इसके रैम को भी इजिली इंक्रीज कर पाओगे। ये जो लैपटॉप है एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड गाइस, अगर बात करें इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको जो है लाइक 11 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड वाकई में बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप है। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज भी काफ़ी सही है, 39.62 cm का, यानी कि 50.6 इंच का जो है आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि 922,080 पिक्सल्स को जो सपोर्ट करता है। एंड अगर बात करें इसके लाइक ये एक फुल HD TN पैनल जो है लाइक डिस्प्ले आपको मिलेगा, तो आपको अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी सही है, जो कि एंटी ग्लेयर है, यानी कि आपको इसमें आइस प्रॉब्लम जो होती है वो दिखने को नहीं मिलेगी, बट ऐसा लिखा होता है, बट मे बी हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो अगर बात करें हम इस लैपटॉप के अंदर के कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड जो है आपको लाइक नमपैड मिलता है एंड यहाँ पे आपको लाइटिंग वाला कीबोर्ड नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी रात को आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो आप जो है आप मैनेज कर लेना। इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिलता है, जैसे कि आप जो है रिपेयर करवा सकते हैं अपने लैपटॉप को। देन गाइस, ये था ओवरऑल लैपटॉप का सारा डिटेल्स एंड आई होप कि लैपटॉप आप सभी को बहुत ही सही लगा। देन इस लैपटॉप का प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप का प्राइस 35,000 पड़ जाएगा, बिकॉज आप ऑफर्स वगैरह एंड जो है लाइक एक्सचेंज वगैरह एड करते हो तो आपको जो है 35,000 में ये लैपटॉप मिल जाएगा। सो जो हमारे लिस्ट का सेकेंड लैपटॉप है, इसका नाम है डेल, और i3 का प्रोसेसर लगा है 11th Gen का एंड आपको इसमें 8GB का रैम विथ 1TB हार्ड डिस्क विथ 256GB SSD मिलता है, यानी कि अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो तो आप ये भूल जाएगा कि आपका लैपटॉप कभी भी स्लो काम करेगा। मे भी मेरे कहने का मतलब कभी भी नहीं, मतलब काफ़ी समय तक आप यूज़ करोगे तो उसके बाद स्लो हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। ये भी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो इसको भी कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो कि 64-bit पे काम करेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडो 11 होम और विंडो 11 दोनों मिलता है, तो आप चाहो तो जिसको कैरी करना चाहते हो उसको कर सकते हो। सो अगर डिस्प्ले साइज की बात करें, तो इसमें 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि जो सेम वाले लाइक सेम रेगुलेशन को जो है सेम पिक्सल्स को एक्सेप्ट करता है, जो कि 1920x1080 को पिक्सल्स को सपोर्ट करता है। FHD डिस्प्ले लैपटॉप काफी बेहतर है आप सभी के लिए, अगर आपके पास लाइक 45,000 रुपीज हैं तो आप चाहो तो इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। पर्सनली मुझे लैपटॉप काफी सही लगा एंड लैपटॉप्स के जितने भी लाइक खास फीचर्स है वो सभी के सभी मैंने पर्सनली चेक किया है, जो कि वाकई में सही है। एंड अगर आप इसमें ऑफर्स वगैरह ऐड करोगे तो ये जो है आपको भी 38,000 के अराउंड पड़ जाएगा। तो गाइस, लैपटॉप दोनों लैपटॉप्स काफ़ी सही हैं, तो हम इन दोनों में से जिस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हैं कर सकते हो, बिकॉज दोनों के दोनों लैपटॉप बिल्कुल सही है। बट एक चीज़ प्रॉब्लम है कि फर्स्ट वाले लैपटॉप में आपको SSD देखने को मिलता है, लाइक हार्ड डिस्क नहीं देखने को मिलेगा, तो आप हार्ड डिस्क ऐड करवा देना यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा। देन वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू मेरे भाई लोग।